भगवान में पतंजलि को प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने भूतियापत्ति और नियम की नियम और नियम के लाभ पढ़े थे, यम और नियम के लाभ पढ़े थे, अर्थात ये यम नियम की विभूतियां थी। पांच विभूतियां यम की थी और छह नियम की थी, छह नियम की थी। तत्पश्चात तीसरा अंग आसन पढ़े थे, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिर और सुख पूर्वक बैठ सके वह आसन है। स्थिर और सुख पूर्वक, तो जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सके वह आसन है, स्थिरम सुखम आसनम। तत्पश्चात यह आसन दृढ़ कैसे होता है, यह आसन सिद्ध कैसे होता है, तब प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न की शैथिल्य, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत समापति भ्याम, अनंत समापति भ्याम, अनंत में समापति लगाने से आसन दृढ़ कब हो जाएगा, एक तो उसमें प्रयत्न की शिथिलता आ जाएगी, अर्थात शरीर में कंपन नहीं होगा, शरीर में किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं, कोई हलचल नहीं, कंपन हो रहा है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो आसन सिद्ध नहीं है। और प्रयत्न की शिथिलता मतलब स्वयं के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है कि मैं इस आसन में बैठा रहूं या मैं जबरदस्ती बैठूं या मुझे बैठना चाहिए, नहीं, जिसमें है स्थिर हो गए हैं और सुख पूर्वक है, अब कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। और फिर अनंत समापति भ्याम, इस चित्त की स्थिति कहां चली जाए, अनंत में, अनंत में, अनंत के तदाकार हो जाए, तद्रूप हो जाए, अनंत के तदाकार। अनंत का वाचस्पति मिश्र योग वार्तिकार विज्ञान भिक्षु ने यहां शेषनाग लिया है, किंतु विवरणम में आदि गुरु शंकर ने, राजा भोज ने और भास्वती में हरिहर अरण्य जी ने अनंत का अर्थ परम को लिया। परम या दो अर्थों में ले सकते हो, आकाश और परमात्मा, आकाश और परमात्मा। तो इस प्रकार ये आसन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है दृढ़। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो फल बताया, तो द्वंद अनभिघात, उस आसन से द्वंद अनभिघात, द्वंद्व से आघात नहीं लगता है, द्वंद पीड़ित नहीं करते हैं उसको, वह द्वंद्वों से पीड़ित नहीं होता है, गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान इतना से पीड़ा अनुभव नहीं करता है, दुख अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार ये आसन पूर्ण हुआ, तीसरा अंग आसन। अब चौथा अंग प्राणायाम, आसन भी पूरा हुआ, अब चौथा अंग प्राणायाम। उस आसन में प्रतिष्ठित होने पर, जब आसन प्रतिष्ठित हो जाए तब तस्मिन सते श्वास प्रश्वास विच्छेद प्राणायाम, उस आसन में प्रतिष्ठित हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति, श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद आ जाए, गति में क्या आ जाए, रुकावट आ जाए, कोई बाधा उत्पन्न की जाए, रुकावट या उसमें विच्छिन्नता ले आए, उसमें बाधा ले आए, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है। तो प्राणायाम क्या है, श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद, रुकावट। तो श्वास किसको कहा गया है, वायु का आचमन, अर्थात वायु भीतर भरना, वायु का आचमन, और प्रश्वास वायु का निस्सारण, अर्थात वायु का बाहर फेंकना, बाहर फेंकना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और रुकावट बाधा, इनकी गति में सामान्य ये प्रश्वास चल रही है, ठीक है, इनर और आउटर ये प्रश्वास चल रही है, इसी गति में क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया,
तो जो साइकिल थी लेना छोड़ने का, इस साइकिल को बीच में क्या कर दिया, रोक दिया गया है, बीच में बाधा ले आए, रुकावट कर दी। ये जो रुकावट लाना है, ये रुकावट ही कुल मिला के पूरी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। अन्यथा ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही है, एक निरंतर प्रक्रम चल रहा है, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है। इस निरंतर वाली प्रक्रिया में क्या कर दिया, बाधा ले आए, रुकावट ले आए, विच्छेद कर दिया। तो विच्छेद स्तंभ का है, कुंभक का है, ये कुंभक ही स्तंभ रूपी सब कहलाता है प्राणायाम। प्राणायाम अब इस प्राणायाम के आगे बोल रहे हैं कितने प्रकार का है, कैसा है, किस प्रकार करना चाहिए। बाह्य अभ्यांतर स्तंभ गति, ये प्राणायाम महर्षि पतंजलि कहते हैं बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म तो तीन प्रकार का है क्या, बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति। प्राणायाम की वृत्ति कितनी है, तीन प्रकार, रीति वृत्ति नहीं रीति, कितने प्रकार से, तो कितने प्रकार से, तीन, बाह्य अभ्यांतर और स्तंभ। बाह्य अभ्यांतर और स्तंभ, स्तंभित कर देना यानी रोक देना। बाह्य यानी बाहर, अभ्यांतर यानी भीतर, आउटर एक्सटर्नल और इंटरनल और सेसेशन। तो एक्सटर्नल इंटरनल और सेसेशन, ये तीन बाह्य अभ्यांतर स्तंभ व्यक्ति, ये तीन प्रकार के प्राणायाम है बाह्य अभ्यांतर स्तंभ। तो यहां जो बाह्य को लिया गया है, श्वास छोड़ने के प्रक्रम को बाह्य नहीं कहा है, पूरी श्वास ये भीतर भरी हुई थी उसका पूरा निकाल देना, अर्थात भीतर के प्राण को बाहर निकाल दिया है, बाहर छोड़ दिया है। तो जो बाहर छोड़ दिया वह चीज बाह्य कहलाती है, वह चीज बाह्य। अब प्राण कहाँ है, बाहर है। तो रेचक और पूरक से ये भिन्न है थोड़ा। रेचक में क्या करते हैं, श्वास को धीरे धीरे निकालते हैं, वह रेचक है, और यहाँ श्वास पूरा निकाल दिया, निकालने के पश्चात जो बाहर है वह बाह्य है, और श्वास पूरा भर दिया, ये प्राण था, श्वास पूरा शरीर के भीतर भर दिया, तो पूरा भर गया है वह अभ्यांतर है। प्राण अब क्या है, भीतर है, प्राण क्या है, भीतर है, तो पूरा प्राण जितना लेना था पूरा भीतर ले लिया, तो वह अभ्यांतर है। और पूरक में क्या करते हैं, लेते हैं, भरते रहते हैं, तो पूरक की क्रिया कंटिन्यू इनहेल करने की है, और रेचक की क्रिया कंटिन्यू एक्सहेल करने की है। लेकिन यहाँ क्या, जो प्राण था एक्सटर्नल प्राण को बाह्य अर्थात श्वास छोड़ दिया, पूरा खाली कर दिया, अब वो बाहर आ गया, वो हो गया बाह्य, श्वास भर दिया। अब जो भीतर स्थित है वह अभ्यांतर, अब चाहे भीतर रोक दिया या बाहर रोक दिया, जहां भी था, श्वास छोड़ने के बाद जहां गया वहां रोक दिया और भीतर था रोक दिया, जो रोकने की प्रक्रिया है वो कहलाती है स्तंभ कहलाती है। क्या कहलाती है, स्तंभ, चाहे भीतर रोको चाहे बाहर, खाली कर दिया बस। तो ये प्रक्रिया प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, तीन प्रकार की, देश काल संख्या भी, और ये प्राणायाम देश काल और संख्या के अनुरूप होता है, के अनुसार करना होता है। देश यानी स्थिति विशेष, स्पेस विशेष, इसमें दो है, जब भीतर ले रहे हैं तो भीतर कहां धारण कर रहे हैं, इनसाइड इंटरनल प्राण आ गया है, भीतर उसको कहां स्थापित किया, किस जगह, किस स्टेट में, छाती में, नाभि में या अन्यत्र कहीं, किसको सिद्धांत पत्ति में गोरखनाथ जी ने संगठीकरण कहा है, घट में अर्थात शरीर में सही प्राण को स्थिर करना,
तो ये देह इसी प्रकार बाहर बाहर छोड़ते हैं, बाहर कहाँ स्थित कर रहे हैं, नासिका के जस्ट पास और दूर और कितना, तो ये हो गया देह, ये हो गया देह स्पेस। काल टाइम, तो ये समय ये काल है, यही मात्रा है अर्थात कितनी देर तक। तो ये जो हम कहते हैं ना एक अनुपात चार अनुपात दो, वो अनुपात काल का होता है। तो एक बार मंत्र का जप किया सावित्री मंत्र का, तब तक रेचक पूरक, ठीक है, कितनी देर पूरक करने के मतलब अभ्यांतर के बाद स्थिर कितना स्तंभ कितना किया। एक बार सावित्री मंत्र या ओम से गिनना चाहते हो तो चार बार ओम का मन ही मन जप करते हुए क्या कर लिया, भीतर लिया, अब भीतर स्थित कर रहे स्तंभ लगा रहे हैं, भीतर कितनी बार आठ बार ओम का जप किया कितना, तत्पश्चात बाह्य पूरा निकाल दिया, वो जो निकालने का प्रोसेस है उसमें कितना आठ बार या चार बार प्रणव का जप, और तत्पश्चात बाहर कितनी देर रोका वो। तो ये जो है ये क्या कहलाता है काल, अर्थात कितने समय अवधि में एक प्राणायाम को संपन्न किया, एक प्राणायाम को संपन्न किया। और संख्या भी इस प्रकार एक प्राणायाम संपन्न किया ऐसी कितनी संख्या, ऐसी उसकी काउंटिंग, तो वही मृदु मध्य और उत्तम, ठीक है। अधम का है हठयोगी ग्रंथों ने, अधम मध्यम उत्तम, ठीक है। तो यहाँ मृदु का है बस भाष्यकार ने, तो कोई कहता है 20, ठीक है, कोई 16, कोई 36, जिसका जितना है, मध्य में 20 वाला 32 गिनता है, इसमें 64 आ जाते हैं, इस प्रकार उत्तम आयुष। तो इस प्रकार जो संख्या देश काल संख्या परिदृष्टो, देश काल संख्या के द्वारा देखा जाता है, उसके द्वारा क्या जाता है परिदृष्टो यानी देखा जाता है। देश स्पेस स्थान कहाँ, शरीर में, शरीर के बाहर काल कितने समय में लेते हैं, कितने समय धारण कर रहे हैं, कितने समय में छोड़ रहे हैं इत्यादि, काल और संख्या कितनी आवृत्ति कर रहे हैं, कितनी आवृत्ति कर रहे हैं, कितनी टाइम की काउंटिंग कितनी है। तो एक राउंड वक्त कितने राउंड कर रहे हैं, 15 राउंड, 14 राउंड, 16 राउंड, 20 राउंड, 24 राउंड, ठीक है। इस प्रकार अभी क्या समय कर लिया 5 मिनट 6 मिनट, जबकि परंपरा में क्या है कितनी आवृत्ति कर रहे हैं, 3 आवृत्ति, 5 आवृत्ति, 7 आवृत्ति, 8 आवृत्ति, 16 आवृत्ति, ये प्रक्रम है। और दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ सूक्ष्म, सूक्ष्म वही हल्का, दीर्घ यानी गहरा, उसमें गहरा लंबा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसे बोलते हैं डीप इनहेल। और सूक्ष्म बिल्कुल हल्का होना चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, खींच रहे हो तो आवाज नहीं, श्वास लेते समय किसी प्रकार का श्वास भीतर जा रही है तो कोई भी आवाज किसी और को सुनाई ना दे, वैसा सूक्ष्म। और इसी प्रकार छोड़ते हैं कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, तब प्राण सूक्ष्म हो जाता है, प्राण सूक्ष्म हो जाता है तो मन भी सूक्ष्म, क्यों, प्राण का मन का अन्य संबंध है, तो स्थिर हो जाता है। तो दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ सूक्ष्म, इस प्रकार तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद प्राणायाम है। और प्राणायाम तीन प्रकार का है, बाह्य आभ्यांतरिक स्तंभ देश काल और संख्या के द्वारा देखा जाता है, और दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। दैट प्राणायाम हैज एक्सटर्नल ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन एंड सप्रेशन, these again when observed according to space time and number become long and subtle, become long and subtle। अब ये तीन प्रकार हुआ, अब चौथे प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं। बाह्य अभ्यांतर चतुर्थ, बाह्याभ्यांतर चतुर्थ, अब चतुर्थ प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं। बाहर और भीतर, बाहर और भीतर विषयों को फेंकने वाला अर्थात विषयों को नष्ट करने वाला
बाहर और भीतर के किसी भी प्रकार के विषय नहीं रहने पर, अर्थात ये बाह्य पूर्ण से संपन्न कर लिया, आप ध्यान कर पूर्णतया संपन्न कर लिया, कैसे, इस विधि के अनुसार, देश काल संख्या दीर्घ सूत्र के अनुसार। अब विषय कोई नहीं बचे, सारे विषय छेप यानी फेंकना, विषय से रहित अवस्था। कौन सा प्राणायाम है? चौथा प्राणायाम जो स्वतः होता है, कहते हैं। तो कुल मिला के जब प्राणायाम इतना प्रखर हो गया है तो प्राण, प्राण क्या कर लिया, सुषुम्ना में सो गए, प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो गया। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं तब श्वास भीतर लेने की बाहर छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, तब स्वतः ही प्राणों का ही प्राणों में जो गीता में कहा है ज्योति यज्ञ होता है, फिर यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, फिर यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, फिर प्राण बाहर नहीं आते हैं ना, बाहर से भीतर जाते हैं, प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो जाता है। प्राणायाम की अवस्था कौन सी, चतुर्थ, यहाँ विषय से रहित हो जाती है, क्योंकि सुषुम्ना में संचार ही कुंडली जागरण का है, उनको वहां विषय से रहित अवस्था है, क्योंकि वो भी योग की अवस्था है, वह भी योग की अवस्था है। वही आप ध्यान करते देवी बिफोर प्राणायाम ट्रांसडेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑपरेशन, ट्रांसडेंट अर्थात उनसे पार चला जाता है, बाह्य और आभ्यंतर से परे चले जाता है, परे चले जाता है, बाह्य आभ्यंतर से जो ट्रांसडेंट चला जाता है, अतीत हो जाता है, अतीत हो जाता है, वह क्या कहलाता है, चौथा प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम। चतुर्थ प्राणायाम कौन सा है, केवली प्राणायाम, केवल प्राणायाम, जो हटियों में केवल प्राणायाम है, जो केवली प्राणायाम है वही ये चौथा प्राणायाम है, वही ये सहित और कुंभक और केवल कुंभक, सहित कुंभक के सिद्ध होने पर केवल कुंभक स्वतः हो जाता है, सहित कुंभक में सारे पूरी भेदन भस्त्रिका ऊर्जा इत्यादि जो आते हैं उन सब के सिद्ध होने पर केवल प्राणायाम स्वतः होता है। फिर स्वतः कब होता है, जब बाह्य और आभ्यंतर सिद्ध हो चुका होता है, पूर्ण रूप से अर्थात प्राणायाम की प्रखरता प्राप्त हो चुकी है, तब प्राण कहाँ चले जाते, सुषुम्ना में, सुषुम्ना में चले जाते, विषय से रहित हो जाता है, विषय से रहित हो जाता है, जो प्राप्त होने वाला प्राणायाम है वो कहलाता है चौथा प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम, उनका नाम नहीं किया जाए, बाकी उनसे विषयों को फेंकने वाला, विषयों से अतीत होने वाला, बाह्य आभ्यंतर विषयों से अतीत होने वाला, परे जाने वाला जो प्राणायाम है वह चौथा प्राणायाम है, वह चौथा प्राणायाम है। अब प्राणायाम का वर्णन किया तीन सूत्रों में, तत्पश्चात चौथे सूत्र में लाभ, दोनों लाभ स्मरण रखने हैं, पहला लाभ तथा सीयते प्रकाश आवरणम, धारणा सुषु योग्यता मनस, तो प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना है, तीन प्रकार का वर्णन है शुरू में, क्या, बाह्य एक्सटर्नल, ठीक है, प्राण को बाहर फेंक छोड़ दिया, फिर आभ्यंतर प्राण को भीतर ले गए, तथा इस तरह बाहर बाहर होती है भीतर भीतर होती, इस प्रकार ये बाह्य ढंग इस तरह गति रीति के हिसाब से परम लेने के तरीके के हिसाब से कितने, तीन प्रकार का है। तत्पश्चात देखा जाता है परिदृष्टि को मापा जाता है, मापने के तीन तरीके हैं, क्या तरीके हैं, पहला है देह, दूसरा काल और तीसरा संख्या, तो ये उसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कह दो, मापना कह दो, उसको मापा कैसे जाता है, उसकी जो मैपिंग है वो देह काल और संख्या इनके हिसाब से मापनी चाहिए, और वो दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए, लंबा भरना चाहिए, बिल्कुल सटल होना चाहिए, बिल्कुल आवाज वाला नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात भाई आभ्यंतर से जो अतीत चला जाए, भाई आभ्यंतर से इनसे अतीत चला जाए, इनसे परे चला जाए, इनको पार कर ले, तत्पश्चात जो स्वतः होने वाला प्राणायाम है वो चतुर्थ प्राणायाम है, वो चौथा प्राणायाम है। अब उस प्राणायाम के लाभ, पहला लाभ है तथा उस प्राणायाम तथा उस प्राणायाम से प्रकाश आवरण नष्ट करता है, क्या करता है, नष्ट करता है या क्षीण करता है, क्षीण करता है,
प्रकाश के आवरण को, ये प्रकाश है और इसके ऊपर ये आवरण पड़ा है और ये साधक है। तो यहां ये प्रकाश है, वो प्रकाश कहां होता है, भीतर ही होता है और उसके मलिनता, चित्त की मलिनता रूपी आवरण पड़ा रहता है, उसको ये हल्का कर देता है, मिटा देता है, हल्का कर देता है। तो ये विशुद्ध ज्ञान है, इस ज्ञान के ऊपर ये आवरण पड़ा हुआ, ये प्रकाश आवरण कहलाएगा। इसकी वजह से ज्ञान उदित नहीं होता है, इस आवरण के कारण ज्ञान प्रकट नहीं होता है, ज्ञान में स्थित नहीं होता है, साधक ज्ञान में स्थित नहीं हो पाता है। तो प्राणायाम किसी क्या करता है, इसको मिटा देता है या फिर इसको हल्का कर देता है, इस प्रकार ही रहता है, चीर कर देता है, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश आने लग गया साधक के पास, अभी तक आई नहीं रहा था, आई नहीं रहता था। ये अशुद्धि के कारण, मनों के कारण क्या अवस्था थी साधक की, अज्ञानता की अवस्था थी, उस अज्ञानता को मिटा देता है, तो वह नष्ट करता है, क्षीण करता है, किसकी, प्रकाश के ऊपर जो आवरण होता है उसको, प्रकाश के ऊपर आवरण को क्षीण करता है, तथा सीते प्रकाश आवरण। दूसरा, धारणा सूचा योग्यता, मन की धारणाओं में योग्यता बनाता है, मन की धारणाओं में योग्यता, अर्थात मन को इतना सक्षम जाता है कि वो धारणाओं में क्या योग्य हो जाता है। व्यास जी ने यहां लिखा है प्रच्छन्न की धारणा अभ्याम व प्राणस्य, ये कहीं पढ़ा होगा याद करिए, प्रच्छन्न की धारणा अभ्याम व प्राणस्य, क्या कहें, चित्त को स्थिर करने का उपाय, चित्त की स्थिरता है वही क्या है, धारणा है, कहीं चित्त को स्थिर कर देना ही धारणा कहलाती है। तो धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है, क्योंकि चित्त को स्थिर पहले भी कर रहा था प्राणायाम के द्वारा, समाधि पाद में भी बताया, उसी को लाभ को या प्राणायाम में यहां भी बताया, यहां भी बताया है, इसीलिए केवल वो सूत्र ही भाष्य में लिखा और कुछ नहीं लिखा गया है, यथा जैसे प्रच्छन्न की धारणा अभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छन्न की धारणा से चित्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है, अर्थात मन धारण के योग्य हो जाता है, धारणा में स्थित हो जाता है, धारणा करने लायक बन जाता है, धारणा करने लायक बन जाता है। तो तथा स्थित प्रकाश आवरण बाय दैट द वेल ओवर मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज इज थिन ऑफ थिन, अतः ये आवरण था ये क्या हो जाएगा, थिन हो गया, पतला हो गया, तो आवरण थिन हो गया, जो ऊपर आवरण था, पर्दा था, वो क्या हो गया, थिन हो गया, किसके ऊपर था, नॉलेज के ऊपर था, किसके प्रकाश में, नॉलेज यथार्थ ज्ञान, तथा अस्यते प्रकाश आवरण, धारणा सूचा योग्यता, मन की धारणा, धारण करने की क्षमता, धारणा में स्थित होने की शक्ति आ जाती है। तो द माइंड एक्वायर फिटनेस फॉर दी धारणा, द माइंड एक्वायर फिटनेस फॉर दी धारणा, द माइंड एक्वायर फिटनेस फॉर दी धारणा। इस प्रकार ये प्राणायाम के दो लाभ वर्णन है, प्रकाश के आवरण को, प्रकाश के ऊपर जो पर्दा है, वेल है, उसको थिन करता है, क्षीण करता है, हल्का करता है, ठीक है, नष्ट भी कह सकते हैं। दूसरा, धारणाओं में जो भी धारणा करने के साथ एकाग्र होने की क्षमता मन की बढ़ जाती है, धारणा में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की क्षमता, चित्त को विशेष जगह लगाना क्या है, धारणा है, आगे जो पढ़ेंगे उसमें मन की योग्यता हो जाती है, मन इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्थिर हो जाता है कि वो कहीं भी स्वयं को लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकता है, जहां चाहे लगा सकता है, शरीर के भीतर अथवा बाहर, भीतर अथवा बाहर, इस प्रकार ये प्राणायाम पूर्ण हुआ। अब आगे प्रत्याहार, स्वविषया संयोगे चित्त स्वरूपानुकार, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार
इवेंद्रियाणां प्रत्याहार। तो स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे, इंद्रियों का अपने विषयों से, इंद्रियों का अपने विषयों से हटकर कैसा हो जाता है? जैसा चित्त का स्वरूप है, चित्त के स्वरूप का होना, चित्त के स्वरूप को धारण कर लेने को, धारण कर लेना प्रत्याहार कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। ये चित्त है, यह चित्त है। अब ये विषय है भिन्न भिन्न, ये भिन्न भिन्न विषय है। तो अभी इंद्रियां इन विषयों की ओर जा रही है, ये है सामान्य अवस्था। अब ये इंद्रियां जो विषयों की ओर जा रही थे, ये किधर आ जाए? चित्त की ओर आ जाए। तो कुल मिला के वृत्ति का क्या हो रहा है? या निरोध हो रहा है, वृत्तियां निरोध की ओर आ जाए, वृत्तियां निरोध की ओर जाए। तो ये वृत्तियों का निरोध, जो वृत्तियां, जो इंद्रियां विषयों की ओर जा रही थी, जो ऑब्जेक्ट की ओर जा रही थी, सेंसेस, ठीक है, जो सेंसेस ऑब्जेक्ट की ओर जा रही थी, वे अब कहाँ जा रही है? चित्त की ओर जा रही है। इस चित्त के भीतर आके हो रही है और चित्त के स्वरूप को धारण कर ले रही है, बस चित्त के जैसी ही बन जा रही है। ये अवस्था प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहार, प्रति आहार, अर्थात जो आहार को ग्रहण कर रहे हैं उसका उल्टा, यानी ना ग्रहण करना, ना विलीन होना। तो प्रति प्रसव है एम, आर यानी ग्रहण करना, ग्रहण करना, प्रति यानी ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं करना। तो इंद्रियों का विषयों को ग्रहण ना करने की जो प्रवृत्ति है वह प्रत्याहार है। इंद्रियों के द्वारा ये विषय है, इनको ग्रहण ना करने की प्रवृत्ति है, इनमें लीन नहीं हो रही है, क्या कर रही है? चित्त में ही आ रही है, चित्त में ही आ रही है। ये अवस्था प्रति, प्रति प्रसव, प्रति आहार, आहार यानी ग्रहण करना, किनको? विषयों को, ऑब्जेक्ट को। तो जो सेंसेस है ऑब्जेक्ट को ग्रहण कर रही है, उसका भोग कर रही है, वह ना करके कहाँ आ रही है? भोग नहीं कर रही, अर्थात अभोग अवस्था में, अर्थात अपने भीतर ना करने की अवस्था में। तो प्रति प्रसव यानी लीन होना, यहाँ आहार का अर्थ लीन होना तो नहीं होगा चित्त का, चित्त का क्या, इंद्रियों का क्या हो रहा है? चित्त में लीन होना हो गया। वहां चित्त प्रति प्रसव का गुण, गुणों में लीन, जहां से उत्पन्न हुए वहां लीन हो रहे थे, यहाँ वहां नहीं हो रहे, यहाँ चित्त में लीन हो रहे हैं। यहाँ कहाँ हो रहे? इसलिए यहाँ प्रति प्रसव शब्द ना कहकर प्रति आहार का, क्योंकि इंद्रियां आहार करती, आहार, आहार मीन्स ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो ग्रहण करना बंद कर देना, नॉन एक्सेप्टेंस, अर्थात नॉन एक्सेप्टेंस यहाँ शब्द आएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये प्रत्याहार, मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस। इंद्रियां अपने विषयों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। बहुत विशेष भोज्य पदार्थ पड़े हैं लेकिन इंद्रियों का खाने का कोई मन नहीं है, कोई मन नहीं, क्या है? प्रत्याहार अवस्था है, प्रत्याहार अवस्था है। तो व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट द ऑर्गन्स फॉलो एज इट वर द नेचर ऑफ द माइंड, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार, रिस्ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्गन। रिस्ट्रेनिंग का है मूलतः नॉन एक्सेप्टिंग, बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट है उनका एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, रिस्ट्रेन कर दिया, विरोध कर दिया। ये अवस्था क्या है? प्रति आहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार। तो स्वविषया संप्रयोगी चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियां, इंद्रियां कैसी बन जाती है? सेंसेस कैसे बन जाती है? चित्त के स्वरूप की, चित्त स्वरूप, जैसा चित्त है वैसा का वैसा। तो एज इट इज चित्त, जैसा चित्त है वैसी ही इंद्रियां हो जाती है, वैसी ही इंद्रियां हो जाती है। वह अवस्था प्रत्याहार है। वह अवस्था क्या है? प्रत्याहार, अर्थात
इंद्रियां अपने विषयों को क्या कर रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, स्वीकार कर ही नहीं रही है, स्वीकार नहीं कर रही है। तो इंद्रियों का विषयों को ग्रहण नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, उनका भोग नहीं करना, यह अवस्था कहलाएगी प्रत्याहार। प्रत्याहार तो इंद्रियां किस अवस्था की हो जाती है, चित्त स्वरूप, चित्त के जैसी, चित्त के जैसे जैसा चित्त है वैसा हो जाता है, चित्त सत्व। अब इसका ला तथा परमा वचित इंद्रियाणाम, तथा परमा वचित इंद्रियाणाम उस प्रत्याहार का लाभ, इसका लाल तथा परमा वसित इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम इससे, किससे, प्रत्याहार से परमा परम वश्यता आ जाती है, उससे, इससे प्रत्याहार से, प्रत्याहार के अभ्यास से परम यानी टोटली वश्यता यानी वस में आ जाती है क्या, इंद्रियां। उस प्रत्याहार से इंद्रियों का परम वशीकरण हो जाता है, इंद्रियों का परम वशीकरण हो जाता है। परम वशीकरण अर्थात पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है इंद्रियां, क्या आ जाती है पूर्ण नियंत्रण में साधक की आ जाती है। तथा परमा वचित इंद्रियाणाम, तब साधक जब चाहे जहां चाहे इंद्रियों को स्थिर कर दे विषयों से हटाकर, परम विषयता आ जाती है अर्थात अब उसकी इंद्रियां कैसे भी भोग कैसे भी विषय आएंगे उसमें भटकेगी नहीं, उसमें भटकेगी नहीं। जिस प्रकार चित्त को स्थिर करने के उपाय पड़ रहे थे, चित्त में कितनी क्षमता आ जाती है, परमाणु परम महत्वाधिकार, परमाणु से लेके महत्व महत्व तक वशीकार करने की क्षमता आ जाती है, ठीक इसी प्रकार प्रत्याहार से भी परम वश्यता आ जाती है, परम वश्यता आ जाती है। तो दैट ब्रिंग्स सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन, दैट ब्रिंग्स सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन, दैट ब्रिंग्स नहीं प्रत्याहार लाता है, ब्रिंग्स ला क्या लाता है, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन, ऑफ द ऑर्गन ऑफ द सेंसेस। तो इंद्रियां परम वश्यता में आ जाती है, पूर्ण कंट्रोल में आ जाती है, जहां चाहे वहां नियंत्रित हो सकती है। इस प्रकार प्रत्याहार पूरा हुआ और साधन पाद भी पूर्ण हुआ, योग सूत्र का साधन पाद पूर्ण हुआ। निवेदन था समाधि पाद स्मरण हो गया होगा, नहीं हुआ तो कर लीजिए, साधन पाद भी स्मरण कर लीजिए। 4 दिन का समय है, 2 फरवरी से पूछना शुरू करूंगा। दूसरा एक था परीक्षा को लेकर चिंतित है, मैं कितनी भी शीघ्रता करेंगे तो भी एनटीए वाले योग का पेपर 10 मई से पहले नहीं होगा, योग का पेपर 10 मई से पहले नहीं होने वाला है। 7 दिन नोटिफिकेशन के बाद में वो फॉर्म फिलिंग शुरू कराते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट लगभग 1 मंथ रहती है और मिनिमम कम से कम 1 मंथ बाद एग्जाम शुरू होता है। और योग का नहीं नहीं करते ही 10 दिन पश्चात होगा, 10 दिन बाद में ही होगा। 7 दिन 10-17 दिन ये मान लीजिए, 2 दिन 2 महीने वो मान लीजिए, अभी फरवरी शुरू ही नहीं हुआ है, फरवरी आ गया, शुरू किया फरवरी आ गया है, फरवरी 1 महीना कर, मार्च 1 महीना कर दीजिए, 17 दिन अप्रैल के कर ही लीजिए, जबकि अभी कोई संभावना ही नहीं है नोटिस वगैरह की। अप्रैल तक तो संभव ही नहीं है, कैसे भी कैसे करेगा, बहुत जल्दी हुआ तो 25 अप्रैल से लेके 10 मई तक वो परीक्षा करवा सकते हैं। तो जो नोटिस डाला हुआ है वो ऐसे ही एग्जाम में डाल दिया, लोग डाउटफुल थे, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे तब। मूलतः अच्छे से पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, ठीक है, बाकी पाठ्यक्रम मैं 1 महीने में पूरा करा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर आप, मैं तो पढ़ा दूंगा, आपका छूट जाएगा, आप उतनी मेहनत नहीं, तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो उसमें एकदम प्रावीण्य